हिमाचल प्रदेश में एक अनोखा बौद्ध गांव है जो मनाली से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर और धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। इस गांव का नाम है सेथन। सेथन कोई विंटर वंडरलैंड से कम नहीं है। ये प्लेस काफ़ी पीसफुल, एडवेंचरस और सीनिक है। सेथन के आगे आप जोबरा तक जा सकते हो जो हमता पास ट्रैक का बेस विलेज है और इस रास्ते में लगभग 42 हेयरपिन बेंड्स है। हेलो गाइस, सो हम लोग ऑर्किड ग्रीन रिजॉर्ट एंड स्पा में एंटर किए। तो हम लोग ये ओल्ड मनाली के साइड है, एक्चुअली हडिम्बा टेम्पल के पास ही है। एंड तो रूम में आज हमने चेक इन किया था। बस में आए थे तो सुबह थोड़ा टाइम लग गया, बस भी थोड़ी लेट चल रही थी। और एक्चुअली ऑर्किड ग्रीन रिजॉर्ट्स एंड स्पा वाला जो रूम है वो बहुत सही है, वहीं पे हमने बुकिंग किया है। ब्रेकफास्ट यहाँ पे अवेलेबल है। ब्रेकफास्ट के साथ हमारा जो कॉस्टिंग ऑप्शन है अराउंड ये रूम का आपका दो जन का 3000 के आसपास पड़ा है। और ब्रेकफास्ट में बुफे अवेलेबल है। और तो हम लोग यहाँ पे अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ये देखिए एक ही रूम है ना, तो मेरा अभी कॉल ख़त्म हुआ, इनका कॉल अभी चल रहा है। तो वर्क फ्रॉम होम करके अभी एक दो दिन करेंगे वर्क फ्रॉम होम, फिर आसपास जो भी एरियाज है वो देखने निकलेंगे। ये आपको थोड़ा बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। ये है रूम के साथ आपको बालकनी भी मिल रहा है। देखिए यहाँ पे स्नोफॉल हुआ था एक हफ्ते पहले, पूरी बर्फ़ जमी हुई है, सारे छतों में बर्फ़ है। देखिए आसपास की सारी जगहों में बर्फ़। इनको देखिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग द ऑर्किड ग्रीन रिजॉर्ट एंड स्पा से चेकआउट कर रहे हैं और हम लोग अभी जाएंगे सेथन। देखते हैं, अर्ली मॉर्निंग निकले, फिर वहाँ से कुछ कुछ प्लान है आगे जाके देख। अगर आप विंटर सीजन में सेथन ट्रैवल करते हो तो आप 4x4 ले सकते हो, क्योंकि यहाँ काफ़ी स्नोफॉल होती है और रोड काफ़ी स्लीपरी होने की वजह से ये एक सेफ ऑप्शन है। हम लोग आधे घंटे में प्रीनी गांव होते हुए कैजुअल मॉन्क्स कैफे पहुँच गए। यहाँ उन्होंने पारंपरिक पहाड़ी टोपी के साथ हमारा स्वागत किया। Welcome to Casual Moms. Thank you. Sorry. Welcome to the Casual Moms. Thank you. Hello, bolo, hello. Isko dekho. Simba. Simba. Hello. हमने कैजुअल मॉन्क्स कैफ़े में बुक किया था जो सेथन से 5 किलोमीटर पहले और ये हेयरपिन बेंड नंबर 24 में सिचुएटेड है। मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को डॉग्स बहुत पसंद है। यहाँ हमें सिम्बा मिला जो कैजुअल मॉन्क्स कैफ़े के ओनर ने मनाली मॉल रोड से अडॉप्ट किया था। सिम्बा एक बहुत ही फ्रेंडली डॉग है और वो हमें रूम तक छोड़ने के लिए आ गया था। हमारे पैकेज में वन डे का स्टे, ब्रेकफास्ट, डिनर दो लोगों के लिए और हीटर इंक्लूडेड था और ये हमें 4000 का पड़ा था। यहाँ आपको मोबाइल कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी। देखो वेलकम करने आए हम लोग। क्या चाहता है तू? ज्यादा फ्रेंड नहीं हो रहा? इधर आ जा। कम। ये आ गए हम रूम में। बजी बजी बहुत है। हाँ, रूम से व्यू भी दिखाते। खोलो। अच्छा, यहाँ पे सामान भी रख सकते। सही।
रूम से व्यू बहुत ही सुंदर है। हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, चाय पिया और जोबरा के लिए निकल गए। क्या ही सही नजारा है। वो भी रूम इधर भी देखो। हम लोगों ने डे आउटिंग का पैकेज अलग से लिया था, जिसमें ओल्ड मनाली से पिकअप एंड ड्रॉप अलॉन्ग विथ 4x4 कार, ड्राइवर, गाइड और स्नैक्स भी इंक्लूडेड थे। इस पैकेज में हम लोग जोबरा तक गए थे एंड ऑलमोस्ट फुल डे स्नो में एंजॉय किया था। इस पैकेज का कॉस्ट अराउंड 7000 था। सेथन में आप लोग काफ़ी सारे स्नो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यहाँ के फेमस इग्लू हाउस में भी रह सकते हैं। सेथन से आप लोग इंद्रसा पीक के लिए ट्रैकिंग कर सकते हैं। वैसे सेथन लगभग 9500 फीट में स्थित है। यहाँ पे ऑल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी है, तो आप लोग प्लीज़ प्रिकॉशन लेके आइएगा। सेथन में थोड़ी बहुत क्राउड थी, तो हम लोगों ने भैया को रिक्वेस्ट किया कि हमें लास्ट पॉइंट तक लेकर चले। रास्ते में पांडुरूपा, एलेन बैरिज और काफ़ी सुंदर नज़ारे भी हैं, जो हम लोग रिटर्न जर्नी में कवर करने वाले हैं। रास्ते में काफ़ी ब्लैक आइस थे और बर्फ मेल्ट होने की वजह से रोड स्लिपरी भी था। और ऐसे ही नज़ारे देखते देखते और बातें करते करते हम लोग जोबरा पहुंच गए, जो हमता पास ट्रैक का बेस विलेज है। वैसे हम सामान लेके आगे भी जा सकते हैं भैया। हाँ चलो। है ना? हाँ? फिर जहाँ पे थोड़ा ऐसा लगा हार्ड हो गया, वहीं अपना बना लेंगे बेस में। ऊपर क्यों चलते, इधर ही चलो। यहाँ से हमटा पास 2 दिन है ना? 3 दिन। यहाँ से पहला किधर? मैंने 1 दिन में किया। अरे वाह, पहला कौन सा कैंप आता है? उसके बाद बालू का गिरा। समेत उसके बाद नेक्स्ट गांव? नेक्स्ट तो फिर वो छतरू। छतरू हाँ। नहीं छतरू नहीं, शिया करू आएगा। नहीं जहाँ रुकते हैं लोग। शिया करू। शिया के बाद फिर रोड। अच्छा इधर से आओ। हाँ। लगे पैसे। भैया बैग भी ले आना। बैग 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 बैग। हमने थोड़े डिस्टेंस तक ट्रैक किया और देखते ही देखते नज़ारे काफ़ी ब्यूटीफुल होती गई। ऐसे नज़ारे हमने कभी अपनी ज़िंदगी में पहले देखा नहीं था। मन तो कर रहा था कि यहीं कुछ दिन रुक जाऊं और ऑफिस का काम यहीं से कर लूं। हमें एज अ गाइड एकम्पनी करने के लिए नवीन भैया थे। कैजुअल मॉन्क में नवीन और शत्रु भैया वॉलंटियरिंग करते हैं। ये लोग गाना भी कंपोज करते हैं और बहुत अच्छा गाते भी हैं। भैया वहाँ ही रुक जाओ, धूप में बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? जन्नत पे पहुँच गए आप। गुड़गांव में क्या गर्मी, क्या मौसम, पोल्यूशन, सांसें ले पा रहे हो? अच्छा अभी तो थके हो, अभी नहीं ले पा रहे। ओह दिस इज ब्यूटीफुल नाउ। सी गाइस, ये हमटा का ट्रैक स्टार्टिंग पॉइंट और
ये फुल वायरल कंटेंट के लिए यहाँ स्ट्रगल हो रहा है। ये रहे हमारे सर। और ये हूँ मैं, इतनी खूबसूरत आवाज वाला। मैं अभी गिरी गई यहाँ पे सामने ये स्पॉट पे, एक बार स्लिप कटा था। हम लोग और आगे तक गए जहाँ हमें एक स्ट्रीम मिली जो ग्लेशियर मेल्ट होके क्रिएट हुई थी। स्ट्रीम के ऊपर एक वुडन लॉग की ब्रिज बनी हुई है जो बर्फ से ढका हुआ था। चढ़ना थोड़ा रिस्की था क्योंकि नीचे ठंडी धारा भी बह रही थी। मेरे हस्बैंड और नवीन जी ब्रिज पर चढ़े और वहां से कुछ शानदार फोटोज खींचे। तो भैया हमारे साथ आए, कहां तक जा रहे? देखो कहां एडवेंचर चाहिए उनको, इधर नदी बह रही है और उनको एडवेंचर चाहिए। देखो beautiful place called Jannat and we are in अगर आप लोगों को यहाँ पे एक साल के लिए छोड़ दिया गया तो आप कैसे अपना सर्वाइवल करोगे? इसका आंसर रिकॉर्ड होना चाहिए। खाना पहुँचाते रहो, सर्वाइव कर लेंगे। क्या खाओगे यहाँ पे? मैगी खा भी पी सकते हैं, राजमा चावल। लेपर्ड नहीं मानना? लेपर्ड तो खाएंगे नहीं, खा लेंगे अगर मिल गया तो। ठीक है ठीक है ठीक है, 3, 2, 1 and go! तो दोस्तों हमें दो बटरफ्लाइज मिल चुकी है, बर्फ में। ओके हाय, हाय मैम, हाय सर, हेलो। अरे बाप रे, ये देखो पता नहीं कुछ तो बन फुटबॉल बना रहे, पता नहीं क्या फुटबॉल का बेस बना रहे। ये देखो, ये देखो, इनको देखो। ये देखो क्या बनाया, देखो ये क्या है, ये फुटबॉल है। अच्छा अच्छा, अभी हम मुझे बोल रहे शूट करने के लिए। हमने इंटरटेनमेंट के लिए बर्फ में बटरफ्लाई बनाया, फ्री फॉल किया बैकवर्ड्स, बर्फ से दिल बनाया, फुटबॉल और स्नोमैन भी बनाया। मानो कि हम लोग दोबारा बच्चे बन गए। इनको देखो, बच्चा बन गया, बच्चा दिल तो बच्चा है जी। ये लो तुम्हारा बच्चा है जी। नहीं नहीं किया, देखो देखो इनको बॉल मार रहे, देखो 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 कैसे मार रहे। ये देखो ये देखो, फाउंटेन कर दिया, मेरे को वाइट कर दिया पूरा। बाबा टाइम आउट। भीग लो, जी लो अपनी जिंदगी, भीगा हमारा। कुछ बन रहा, क्या बन रहा भैया? मैगी, पहाड़ों का मैगी, बर्फ का पानी पिघला के।
हाँ सही, मैगी बना रहे हैं हमारे लिए। अच्छा अभी तक लकड़ी है इकट्ठे हो रहे हैं। सिलेक्शन हो गया। मीनवाइल नवीन भैया और एक और भैया जो हमारे साथ आए थे वो लोग मैगी और कॉफ़ी बनाने लग गए। हमने काफ़ी बातें भी की और फोटोज भी क्लिक किए। क्या बना रहे हो? स्नोमैन। सही। चलो चलो बनाओ। मजा आ रहा है। मुझे हेल्प करना है क्या? आजा। अभी हाथ और टहनी दे दो। हाथ बना रहे अभी हाथ। रुक रुक। ना इसका हाथ आ पाया है। मेरा पैर। इसका हाथ नहीं है देखो। ये इसका हाथ खुल के आ गया। हाथ पैर नहीं है। अभी इसको मैं बता रहा हूँ, करो इसको, पूरा बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। हाँ। अभी ना एक गोला बनाओ, इसकी खोपड़ी बनाओ। अच्छा, फिर ये कैसे करेंगे? ये गर्दन बन गई, ये लगा लो। अच्छा। ठीक है ठीक है। ठीक है। अच्छा इसको पूरा वो करके देखते होगा कि नहीं। ये अब आया है और वाला दिमाग आया है। दो महीने वैसे अब हम सही लग रहे हैं। मोटा हो गया नीचे से। ज्यादा मोटा हो गया। ज्यादा खा लिया। कुछ मोमेंट्स यहाँ पे ऐसे भी थे जो शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती और ऐसी एक्सपीरियंस हमारे लाइफ में काफ़ी देर तक प्रभावित रहेगा। पर हमने जो इतनी मेहनत से स्नोमैन बनाया था, मेरे हस्बैंड ने उसको तोड़ दिया। एक और कपल आए हुए थे वहाँ पे और वो लोग आगे तक गए एक्सप्लोर करने। जब मैं गिरा ये बोल इतना भी नहीं बोलना था। एक्टिंग है। फिर आके हम लोगों ने मैगी खाई और कॉफी पी, थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर वहां से निकल गए क्योंकि सूरज डूब भी रहा था और ठंड भी बढ़ गई थी। हेलो। क्या हो गया तुम्हें? तबीयत खराब हो गया। कैसे? हाँ बर्फ मेल्ट हो रहा है। अब हम लोग आगे नीचे तक जहाँ से एक्चुअली हमता पास का ट्रैक शुरू होता है, तो हम लोग कुछ अराउंड 300-400 meters आगे गए थे, यहाँ पे सारे वीडियो शूट किया था और हम लोग आगे नीचे। ये बहुत सही था। डे वेल स्पेंट। यस। अभी हमने 1500 किलोमीटर का ट्रैक करके आ रहे हैं। अगले सात दिन से चढ़ रहे थे हम, 7 दिनों में हमने पूरा कर दिया। 30 दिनों में हमने कंप्लीट कर दिया है। अभी हमारा राशन खत्म हो गया, अभी वापस राशन लेने जा रहे हैं हम। अभी वापस मनाली जा रहे हैं राशन लेने। मॉल रोड से कुछ राशन उठाना बाकी है और मैं था जो सबसे आगे चल रहा था ट्रैक। हाँ, यही था भाई। अब भैया मुझे रास्ता दिखा रहे थे और मैम लोग भी ठीक ठीक चल ही रहे थे। एक दिन लेट थे पर ठीक है, आ गए थे।
वापस आते वक्त हम लोग एलेन बैरिज में रुके और कुछ वीडियोस भी क्लिक किए। फिर नीचे आते आते हम लोग पांडुरूपा में भी रुके और वहाँ थोड़ी देर फन एक्टिविटीज भी किए। पांडुरूपा का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि माना जाता है पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहीं रुके थे। लिखा। इसका नाम है पांडुरूपा। कौन? ये खेत एक्चुअली इसमें वो धान उगाई गई थी उनके द्वारा पांडव के द्वारा। और ये मतलब यहाँ ऐसे रहता है, साइंस बोलो या वो बोलो, तो अभी इसके नीचे है, फिर जब बारिश होगी तो वो बारिश के नीचे रहेंगे, फिर जैसी बारिश खत्म होगी वैसे होगा तो वापस सूख जाएगी। हेलो हेलो हेलो। रुको रुको रुको, क्या करने जा रहे हो आप? अभी फेंकने जा रहे हैं। कहाँ? ओके, 3, 2, 1 एंड गो। वानी वो। वो मिशन अकम्प्लिश्ड। थोड़ी ही देर में हम लोग वहाँ से निकल गए और कैशुअल मॉन्क्स पहुँच गए। मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी और आके मैंने पूरा रेस्ट किया। हम लोग पहुँच गए। फाइनली। ये देखो हालत क्या है। और गाड़ी का हालत देखो क्या है। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा ट्रिप था। बट सिम्बा, सिम्बा सिम्बा। सिम्बा। हेलो। मजा आ गया भैया। मजा आ गया? हेलो। मजा आना चाहिए। रात को नवीन भैया ने गिटार प्ले किया और कुछ लोगों ने थोड़ी देर डांस भी किया। वहाँ पे देखो बर्फ पड़ रहे थे और हम लोग यहाँ पे अब लंच करेंगे। लंच करके ऊपर बर्फ गिर रहा है, निकलेंगे मनाली की तरफ। बिल्कुल। और ये नवीन भैया भी आ गए। क्या हो गया भैया आपको? भैया वो यार ठंड की वजह से ना अगले दिन स्नोफॉल हो रही थी ऊपर पहाड़ों में और हमें पहले ही भूपी भैया ने बता दिया था कि अगर जल्दी मनाली की ओर निकल जाएंगे तो सेफ रहेगा। फिर हम लोग जल्दी लंच करके मनाली की ओर निकल गए। सिम्बा, सिम्बा बाय 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 बाय। चलिए अच्छा लगा। बढ़िया सर्विस था। आओ मेली पे। हाँ आओ मेली पे। आओ मेली पे। चलो 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 मैं भी आ रहा हूँ। आ रहे हो? चल
सिम्बा आज तो सिम्बा भी जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।